हम लोग ऑलवेज यहाँ पर आते हैं जब भी हमको छुट्टी होती है हॉलीडे के दिन। और जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं पद्माला की तरफ टेम्पल पे जाने के पहले हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ। ओह वाओ, ये देखो। यस जी सर, प्योर डिवाइडेशन है। इस जगह सिर्फ आपको पिंक वाले ही मिलेंगे पास में, और मंदिर के साइड में सारे व्हाइट वाले लोटस है। ये जो आप आटे की चक्की देख रहे हो, यहाँ पर जब भी महाप्रसाद होता है तब यहाँ से आटा निकलता है, ऐसे कहा जाता है। आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ, देखो। टन टन, जूते बदल गए। दानिश कैसी रही? गद्दा क्या बोला? अच्छा लग रहा है तेरा पाव में नाइकी। अच्छे तो लग रहे हो, अपन घुस रहे नहीं ना। अरे कितना पाव भाई रहा यार। आसिम कितना खुश है, देख उसका मुंह देख। आसिम उन्हें क्या वाला दुआ तो मंगले बोले उनका, तू मेरे तरफ से मंग क्या ना। कहना है तुम्हारा कैसी रही? क्या बात है, लग रहा है कि नहीं एक नंबर वो। चले बैठ रहे ले। ला दे दे नाइकी। ओ नाइकी, हाँ तोड़ के ला कंबल। ले रे भाई मुगे इतना सा बना रहा। चले सो हेलो एवरीवन, इट्स मी आई सेवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम लोग आए हैं पद्मालय टेम्पल, ठीक है। तो मेरे साथ मेरे दोस्त है दानिश आसिम, और आज के हमारे गेस्ट जीतू पाटिल सर, जो कि हमारे आगे की जर्नी को आपके साथ कंटिन्यू करने और यहाँ की जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोलेंगे, जिसको जो हिस्ट्री यहाँ का जो भी इतिहास है जीत पाटिल सर आप लोग को बताएंगे। तो चलते हैं कुछ देर पहाड़ों पर घूमने के बाद सीधे कौन सा टेम्पल? पद्मालय टेम्पल। लेट्स गो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आने के पहले, पद्मालय से पहले हम लोग को एक पहाड़ी मिलती है छोटी सी, काफ़ी बढ़िया सा व्यू होता है। तो इसके बारे में हम जिस सर से राय जानेंगे, जिस सर इस पहाड़ी के बारे में कुछ बताइए कैसे है क्या है। हम लोग ऑलवेज यहाँ पर आते हैं जब भी हमको छुट्टी होती है हॉलीडे के दिन, और जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं पद्मालय की तरफ टेम्पल पर जाने के पहले हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ। ओह वाओ, बहुत होती है। तो ना एक इंसिडेंस ऐसा था, मतलब मैं एक मौलाना की वीडियो देख रहा था, उसमें कहा गया था कि कुछ दोस्त है मतलब जन्नत में, तो उन्होंने वहाँ फरिश्तों से पूछा कि मेरे बाकी दोस्त कहाँ है। तो बोले वो तो जन्नत में है नहीं, वो तो जहन्नम में गए। तो बोले काम करो हमको भी उधर जहन्नम में ही ले जाओ। तो मीन्स यार जहाँ मजा हुआ, क्या बोलते सर? यार बिना तो जन्नत भी जहन्नम है, और यार साथ में हो तो जहन्नम भी क्या लगती है भाई। हॉलीडे मतलब यहाँ लोग घूमने आते जाते हैं, और गर्दी की वजह से आपको लगता है ना कि ये जंगल है। और आगे जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, टेम्पल के आगे एक ब्रह्मा लेक है, क्या बोलते उसको, भीम लेक बोलते हैं। भीम लेक मतलब भीम कुंड बोलते हैं। अच्छा हाँ, भीम कुंड। भीम कुंड पे कहानी ऐसी है कि महाभारत के टाइम का है वो, ऐसा कहा जाता है। महाभारत को, महाभारत के टाइम का ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पे ऐसे वाइट वाइट स्पॉट पे पत्थर पे, जिसको लोग कहते हैं कि यहाँ पर राइस गिर गया था। अच्छा अच्छा, वहाँ पे एक्चुअली युद्ध हुआ था बकासुरों से, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, सूत्रों के अनुसार। ओके, माइकल जो स्टोरी है वहाँ पर, मतलब काफी पुराना इतिहास है, मतलब बड़ा इतिहास है। तो आई एम सो एक्साइटेड, मैं काफी मतलब ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ चीजें, जिस तरह से सर ने वो जो कुंड बना हुआ है ना, हाँ वो भीम के पैर से बना हुआ है, इसके वजह से इसको पद्मालय करके नाम दिया गया है। पद्म मतलब पद, अरे हाँ पद मतलब पैर, और जैसे सर ने बताया कि जो भीम का पैर वहाँ पर है जिसकी वजह से वो कुंड बना है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल पद्मालय, मतलब वो भीम के जो पैर से जो लेक बना है। पीछे हमारे बाकी शूटर्स भी आ गए, वहाँ पर गणेश मंदिर भी है, इच्छापूर्ति गणेश मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, वही सेम भीमकुंड के पास।
अच्छा मंदिर भी है, बहुत अच्छा व्यू है। मतलब एक साथ एट द टाइम वहाँ पर कितने टेम्पल्स है, जैसे आपने बनाया गणेश जी का टेम्पल है वहाँ पे, शिव जी टेम्पल है और आपने भीम जी का है, हिस्ट्री बताया। बड़ी बात तो छुपा हुआ खजाना बोला जाता है कि भाई भीम की गुफा है वहाँ पर, आज तक वो मिली नहीं किसी को। मतलब ये इतना ज्यादा इतिहास उस एक जगह पे है। मतलब ऐसी जगह तो जाना बनता ही है, इस चीज को एक्सप्लोर करना बनता ही है। दोस्तों ने हमारे, हमने रात को भी आए थे यहाँ पर, रात को घूमे थे बहुत जंगल में घूमते हम लोग, तो हमने ऐसा टीका लगे चलो वो गुफा घूमते हैं, तो हम रात भर घूमे, मिला नहीं, हर चीज मिला नहीं। ऐसे नहीं मिलेगा सर, इतने सदियां बीत गए किसी को नहीं मिला अपने को। ऐसे अपने क्या कांड है जो जिसकी वजह से वो मिल सकता है? और थोड़ा सा मतलब 1% वाला लक और कुछ थ्योरी के हिसाब से अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, बट अच्छा। वो मिलना एक अपने लिए खोज होगी, हमें खजाने के लिए नहीं लेना है वो, हमें खोज करनी है, इसलिए हमारा जो मोटिव है वो अलग है उसके लिए। कमल के फूल सर लेक पे, और ये ब्रह्म कमल है वाइट कलर के। ओके इस तरफ बैक पे, मतलब हम लोग पहुँच गए पद्मालय। हाँ, और ये फूल रोज गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। सही, इसी लेक के? हाँ इसी लेक, व्हाइट एंड पिंक वाले, व्हाइट और पिंक वाले, एक साइड में पिंक है और एक साइड में व्हाइट है पूरे। ओहो, ये व्हाइट है। अरे हाँ हाँ, मतलब इधर की साइड पूरे पिंक है। अरे सर, तो अभी जी सर हम लोग को उस लेक की तरफ ले जा रहे हैं जो फूल गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं पूजा के वक्त में, और जैसा अजीत सर ने बताया हम लोग को कि इस लेक का डिवाइडेशन किया है, जो लेक के इस तरफ वाला हिस्सा है पूरे पिंक वाले वहां पर लोटस है और आगे की तरफ व्हाइट वाले लोटस है, तो हम लोग उसको थोड़ा यहाँ संभाल के आना। आप लोगों ने कांटे बिछाए हुए, लोगों ने कांटे, अरे ये देखो। यस जी सर, प्योर डिवाइडेशन है इस जगह, सिर्फ आपको पिंक वाले ही मिलेंगे पास में, और मंदिर के साइड में सारे व्हाइट वाले लोटस है। ओके, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, पास में आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ओके, वाव, ज्यादा आगे मत जाओ। अरे आसिम सर इधर हो आप, एक आधे नजदीक से देखना था आप, क्या और नजदीक जाना है आपको, उस साइड से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, यहाँ से वी आर फाइन, आप नीचे भी उतर सकते हैं ना। वाव, वहाँ से आप नीचे उतर सकते हैं, बट आपको फूल नहीं मिलेंगे, फूल बहुत अंदर है, और फूल को निकालने के लिए अलग से लकड़ी बनाई हुई है उन्होंने। ये पूरे व्हाइट वाले लोटस है और इस तरफ पूरे पिंक वाले लोटस, वाव अमेजिंग जी सर, दिल गार्डन गार्डन कर दिया भाई आप। आप तो अभी चलो जंगल देखना बाकी आप लोगों का है, जंगल तुम लोग ऐसे कर लो फिर, तब तक हम लोग आते घुमा दे, आप वापस भी आके ले गए ना, कहाँ रखेंगे बोल। और यहाँ पर कैसे, ये गली जो है मेन गली है, यहाँ पर पूजा वजह का सामान सब कुछ मिलता है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो जो है। अभी मंदिर का दरवाजा आ चुका है, हम लोग अंदर जाएंगे। ये हमारा दानिश भाई का काम हो गया पूरा मस्त, दो शेव छोड़े मुरमुरे के पैकेट ले लिए। हमारा लंच का प्रोग्राम हो गया, क्योंकि हम लोग पीछे कहाँ मसावत के पास रुके थे ना, अपन मसावत के पास में रुके थे, वहाँ थोड़ा बहुत हम लोग ने किया था ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का, उसके बाद में फिर अभी यहाँ टेम्पल पर आए, तो थोड़ा बहुत खा लिया और चलते अंदर। तो यह है श्री क्षेत्र पद्मालय प्रवेश द्वार, चलो अंदर जाके देखते। जैसे कि मैंने बताया था आपको एंट्री के वक्त जो हमने कमल के फूल्स देखे थे, और वो इस साइड में मैं जब बताया था आपको कि राइट हैंड साइड में आपको वाइट कमल के फूल मिलेंगे और वहाँ पर पिंक वाले मिलेंगे, जैसे कि बोला था कि डिवाइडेशन इक्वली हुआ है वहाँ पर, जैसे कि पिंक वाले पिंक साइड में ही मिलेंगे और वाइट वाले वाइट साइड में मिलेंगे। और जैसे कि आपके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर पेड़ वगैरह सब मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के पेड़ वगैरह रहते हैं। मतलब ये सर पेड़ मोदक वाले शेप में बने हुए? यस यस, मोदक वाले शेप में होते हैं। गणेश मंदिर है ना, इच्छापूर्ति गणेश मंदिर यहाँ पर। अच्छा अच्छा, दैट्स व्हाई वो जो पेड़ है वो मोदक वाले शेप में रखे। यस यस यस, दैट्स द वन एंड ओनली रीजन। ये एक और मोदक का शॉप, मोदक और गणेश जी का रिश्ता पुराना है भाई। अच्छा जी, बढ़िया, एकदम शांत यहाँ पे, सुकून। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है,
मेन मंदिर का, यहाँ से हम लोग गणेश मंदिर की तरफ जा सकते हैं, बट मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है। आप लोग मेरे साथ आ सकते कॉरिडोर तक। तालाजी जब यहाँ पर महाप्रसाद होता है ना, आपको हम मंदिर का व्यू नहीं दिखा सकते क्योंकि मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है। वैसे हम लोग अभी भीमकुंड की तरफ जाते हैं और वो भीमकुंड देखते हैं कैसा है। तो ये जो आप आटे की चक्की देख रहे हो, यहाँ पर जब भी महाप्रसाद होता है तब यहाँ से आटा निकलता है, ऐसे कहा जाता है, एक जन के बस की बात नहीं है। सो टेंपल में कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से कैमरा अलाउड नहीं है, हम लोग अंदर शूट कर नहीं पाए। सो जिस सर ने कहा कि उसी तरफ से रास्ता था भीमकुंड की तरफ जाने का, लेकिन भीमकुंड की तरफ हम लोग बाहर से जाएंगे। जिस सर ने कहा कि मुझे एक शॉर्टकट वाला रास्ता पता है, सो हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, बाइक से सीधा पहुँचते हैं भीमकुंड की तरफ। तो एक शॉर्ट स्क्रिप्ट हमको पता चली है यहाँ पे कि जैसे इस जगह का नाम है पद्माले, ठीक है। तो एक तरह से कहा जाता है कि जो भीम जी का पैर यहाँ पर लगा था, जिसकी वजह से जो लेक बना है, ठीक है, कुंड, तो वहाँ से लिया हुआ है पद्माले रिलेटेड। और एक पदम मीन्स कमल होता है अकॉर्डिंग टू जी सर, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो हम लोग इसी तरह की आप लोग के लिए वीडियो अभी कंटिन्यू करें, अभी पद्मालय के भीमकुंड की तरफ जाके। तो जब आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं भीमकुंड की तरफ, लेट्स गो।